मुझे दलजीत के साथ कंपेयर किया, दलजीत के सामने मुझे बेइज्जती किया कि ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, तू है कौन? यह था ये मनहूस का बच्चा, नहीं आना चाहिए, इसका साया नहीं पड़ना चाहिए। मैंने बोला मेरा बच्चा है, ये आएगा। मैंने नहीं देखा कि वो पूरे दिन खड़ा था, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मैं घर के अंदर थी चेकी, और मैंने क्यों नहीं मिलने दिया बताती। देखिए चीज़ें चल रही हैं बहुत गलत हैं, और बात को घुमा फिरा के कहा जा रहा है कि मैं सौदा कर रही हूँ मेरे बेटे का। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में कोई भी ऐसी माँ नहीं है, हो ही नहीं सकती, कि वो अपने बेटे का सौदा करे। पूरी दुनिया की दौलत अलग, और एक माँ के लिए उसका बच्चा अकेला काफ़ी है, चाहे माँ गरीब है तो भी, और बहुत वेल्दी है तो भी। तो एक तो ये बहुत गलत इल्ज़ाम है, ये हर माँ के लिए बहुत गलत इल्ज़ाम है कि वो सौदा कर रही है। बात को घुमा दिया, फिर घुमा दिया उन्होंने। बात थी यहाँ पे ये कि आप मुझे डिवोर्स दो, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आप मुझे घर दो, जैसे एक हक बनता है एक महिला का, क्योंकि मेरे पास अभी दो बच्चे हैं, ठीक है। तो उस बात को, 2 करोड़ का लोन उन्होंने पहले ही ले रखा है, और वो उन्होंने मुझे 2.5 से 3 करोड़ का घर ले जाके दिखाया है कि हेमा अब ये काम करेंगे यार, अब ये किराए के घर में नहीं रहेंगे, अभी हम अपने घर में रहेंगे। तो 2.5 से 3 करोड़ के बीच में उन्होंने मुझे घर बिल्डिंग्स में ले जाके दिखाया है। तो तब तक जो है मामला ठीक था, लेकिन जैसे बात बिगड़ी डिवोर्स की आई, तो उसके बाद जब मैंने बोला कि उसको पूछो क्या चाहिए, तो ना मैंने ये मांगा ना वो मांगा, मैंने बोला भैया घर दे दो, तो छोटे बच्चे मुझे छत चाहिए, बाकी मैं अपना रोजी रोटी का कर लूँगी। तो उसके बाद बोला उन्होंने कि ठीक है मैं मीरा रोड में देता हूँ। मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं रहती अंधेरी में, मेरा काम अंधेरी में, तो मुझे यहाँ दे दो। अब ये अंधेरी में किस जगह देते हो और किस फ्लैट की कहाँ कीमत है, ये तो मैंने तुमसे बोला ही नहीं। तो उसके बाद बोलता है कि अंधेरी में तो मेरा बजट नहीं है। तो मैंने सीधा बोला एक काम करो, मैं लॉयर से बात करूँ। लॉयर से उन्होंने बात तो बोल दिया था कि भैया डिवोर्स दूंगा, लेकिन 5 से 6 बार 7 बार 10 बार लॉयर ने उनको बोला कि प्लीज़ कम, एक बार मिल लेते हैं, बंदा सामने जाके बैठा ही नहीं है। लॉयर परेशान हो गई कि भैया बात आगे कैसे बढ़ेगी जब ये आता ही नहीं है, और डिवोर्स उसको चाहिए था। 2.5 साल में 300 बार बोला होगा कि तू मेरी ज़िंदगी की बिगेस्ट मिस्टेक है, तू मेरी ज़िंदगी से जा, तू गंदी औरत है, तुझसे शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो आखिर मैं तो एक औरत देगी ना, अगर तुमने चावल में नमक ज़्यादा डाल दिया तो डिवोर्स, सोशल मीडिया पे तुमने ये फोटो डाल दिया तो डिवोर्स, अपनी माँ से बात कर ली मैंने तो उसके नाम पे भी डिवोर्स, हंस के खुल के बात कर ली तो उसके ऊपर डिवोर्स, मैं अपने डायरेक्टर से जाके मिल ली तो उसमें कैरेक्टर लेस। तो जब तुमको डिवोर्स 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 चाहिए था तो मैं दे तो रही हूँ, तो आके बैठो। और मुझे बोलता है कि ठीक है म्यूचुअल में जाएंगे, लेकिन इसको बोलो यूट्यूब पे वीडियो ना बनाए, क्योंकि इसने अपने पुराने पति के बारे में वीडियो बनाया हुआ है। अरे भैया वीडियो किसने बनाई, अब वीडियो किसने बनाई, उसने बनाई ना, अच्छा उसके बाद भी फिर भी गायब, हाँ बुला रहा है, आ ही नहीं रहा बंदा, कभी उसके धड़कने चल रही हैं, कभी ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है, बस लॉयर के सामने नहीं आ पा रहा, बाकी सारे काम वो कर रहा था बढ़िया से। तो उसने तो हमारा बना दिया और बना के गायब। उसके अलावा आपने बच्चे से भी मिलने दिया, जो बर्थडे पार्टी थी जो जुलाई में शायद 19 जुलाई, हाँ उन्होंने कहा, उसके बाद आपने मिलने तक नहीं दिया उनसे, वो पूरे दिन वहाँ खड़े रहे, ऐसा क्या हो गया था कि आपने पूरे दिन कोई खड़ा है अपने बच्चे से मिलने के लिए पर आपने उन्हें ऊपर नहीं जाने दिया? मैंने नहीं देखा कि वो पूरे दिन खड़ा था, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मैं घर के अंदर थी ठीक है, और मैंने क्यों नहीं मिलने दिया बताती हूँ। 2023 की बात है ठीक है, और आपका भला करे 26 जून की बात है, उस दिन 25 जून को 24 जून को मुझे एक दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड मिल रहा था, उस चक्कर में हम मुंबई से दिल्ली गए थे, और मेरा बेटा इसकी वजह से जो 12 साल का था 6 महीना मेरे से दूर रहा है, सिर्फ इस आदमी की वजह से, इसने मेरे बेटे को शादी के बाद एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, फिर मेरे बेटे के साथ इतना गंदा सलूक करता था जिसकी वजह से वो मेरे बेटे को, बड़े बेटे को बहन के घर पे रखना पड़ा। तो मैंने अपने बेटे को वहाँ से बुलाया कि चलो बेटा मैं आ रही हूँ मुंबई से दिल्ली आ रही हूँ, तू भी आ जा मिलते हैं। इस बीच में मैं और ये गौरव सक्सेना अवार्ड रिसीव करने के लिए गए, तो मेरे बड़े बेटे को मेरे छोटे बेटे की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, और लालच में कि चलो यार उसको बुला लेते हैं ये संभाल लेगा छोटे वाले को, ये इतना सेल्फिश निकला, उसको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये अपनी माँ से इतने दूर है तो मिल भी लेंगे, बुलाया। और उसके बाद जो है उसने दारू पीने के लिए मना किया, उसने झगड़ा किया, उस झगड़े में किसने किसको मारा मैं आपको फोटो दिखाऊंगी अगली बार।
उसके बाद जब मेरे को मुझे लगा मेरी जान मेरे बच्चे के साथ जान का खतरा है, तो अगले दिन सुबह मैं अपने बड़े बेटे को लेके भागी वहाँ से, और इसने छोटे वाला बेटा मुझे नहीं दिया, और 2 से 3 दिन इसने अपने पास रखा। ये 2023 की बात है, और वो बच्चा जब से पैदा हुआ है इसने मुझे छीनने की धमकी दी है कि तुम दोनों जाके मर जाओ, लेकिन ये बच्चा मेरा है, तुम्हारा मुझे नहीं पता, तुम सड़क पे बैठो कुछ भी करो, लेकिन ये बच्चा मैं लूंगा, और मैं आज आ रहा हूँ, तुम इसका बच्चे का सामान पैक कर रखना। कम से कम 3 से 4 बार तो इस आदमी ने सामान पैक कराया कि इसका सामान पैक कर दो, मैं लेके जा रहा हूँ। मैं जब हॉस्पिटल में थी तब भी कि तू यहाँ मर, मैं अपने बच्चों को लेके जा रहा हूँ। फिर उसके बाद 13 मई की बात करते हैं, 2024 की। 13 मई को ये घर में घुसता है प्लानिंग करके, उसके बाद क्या चुरा के लेके जाता है मैं चाहती हूँ ये आप लोग उससे पूछे कि 10 मिनट के अंदर आपने क्या चुराया था। उसके बाद ये अंदर से रिकॉर्डिंग चालू करके लेके आता है कि जो है देखो दोस्तों, मैं अभी जो है बच्चे को लेके जाने वाला हूँ, और जो है मैं पहले बता देता हूँ कि ये मैं जबरदस्ती छीन के नहीं लेके जा रहा हूँ, मुझे क्या पता ये अंदर से रिकॉर्डिंग करके आ रहा है। तो बोलता है हाँ मैं इसको लेके जा रहा हूँ, अलीगढ़ में मेरे घर का गृह प्रवेश है। मैंने कहा ठीक है भाई, तू वैसे भी बच्चे के नाम पर भी मेरे को परेशान करता है, ले जा। जब इंसान परेशान हो जाएगा तो क्या बोलेगा कि भैया ले जा, तो मैंने भी वही किया। उसके बाद 4 दिन तक ये बच्चे को लेके कहाँ रहा मुझे नहीं पता, मैं परेशान रही। तो ये मुझे धमकी के साथ साथ बोलता था इसका पासपोर्ट रेडी रखना। उस दिन मैं इतनी परेशान हुई, भैया ले पासपोर्ट भी ले, क्योंकि तो फिर मुझे बोलेगा कि सर पासपोर्ट दे। 4 दिन तक ये कहाँ था इसने मुझे बताया नहीं। जब बच्चे का पासपोर्ट इसके फादर के पास है, तो आपको लगता है कि मैं ये रिस्क लूंगी 2 साल के बच्चे को? जिस आदमी ने मेरे जो दूध पीता हो माँ का, उस बच्चे को अलग कर दिया अपने उसके लिए से, स्वार्थ के लिए, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। और फिर जब बच्चा छोड़ने के लिए आया 18 मई को, तो खुद घर पे आया भी नहीं। बाउंसर्स जो होते हैं क्लब्स में, जो बाउंसर्स होते हैं उनके थ्रू बच्चे को छुड़वाया। रात के 11:30 बजे थे, मैं बाहर घूम रही थी क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि उसने सुबह 18 मार्च को मुझे बोला था कि क्या तुम घर पे हो आज, मैं बच्चों को लेके आ रहा हूँ। तो मैंने तुरंत बोला यस। सुबह 12 बजे से 11:30 बज गए। इस बीच में मैंने पुलिस वालों को भी फोन कर दिया था वर्सोवा में, जो मेरे जानने वाले हैं, लेकिन मैं बाहर होके घूम रही थी तो देखा एक गाड़ी आके रुकती है मेरी बिल्डिंग के सामने से, जिसमें ये होता है बच्चा होता है तो बाउंसर होते हैं, और ये बाउंसर को देखा। वो बाउंसर को मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरी जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई नहीं, मेरे को घर में एक मेड चाहिए थी जिसने उसको रखा था। तो ये गौरव का और बाउंसर का बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि ये क्लब में जाने वाला में से है, ठीक है। तो वो बाउंसर के थ्रू बच्चा दिया और वो वहाँ से निकल लिया। फिर मैंने वेट किया और बाउंसर को ऊपर के आने का, मैंने कहा तुझे पता है ये क्या सीन है? बोला नहीं। मैंने कहा ये क्राइम चल रहा है, तुझे पता है तेरे सर जो है बच्चा लेके गए थे छीन के? बोले नहीं मैडम। मैंने कहा अगर मैं अंदर बिल्डिंग में मेरा मर्डर हुआ होता अंदर, कौन फंसता? तू फंसता ना? तो बोला मैडम ये तो मुझे पता नहीं। मैंने कहा अगर पुलिस में मैं गई तुझे बुलाना पड़ेगा तो आएगा ना? बोला हाँ मैडम मैं आऊँगा। तो उसके बाद इसने बाउंसर ने बोला, बाउंसर का नाम जीतू है, कि मैडम तो घर पर ही नहीं है। तो भाई साहब मुझे मैसेज करते वाओ यू आर नॉट घर, 11:30 बजे में, तुझे क्या पता है एक माँ का जब बच्चा गया हो तो घर पे बैठेगी क्या? वो नीचे घूम रही हूँ मैं, पुलिस स्टेशन आई हूँ मैं। तो उसके बाद उसने टाइम लिया, पूरी स्टोरी समझी, और उसके बाद बोलता है जो होता हो तेरे पे कर ले, गुड बाय हेमलता। उसका ये लास्ट मैसेज था 18 मई को। जो दूध पीते हुए बच्चे की जो बात है, वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपने बिग बॉस में जाने के लिए होकर आपके बच्चे को कहाँ छोड़ा नहीं छोड़ा, वो इतने फिक्र में थे। और फिर उन्होंने ये भी मेंशन किया कि आपने कभी उनको आपकी मम्मी से मिलाया ही नहीं, आपने कहा कभी आपका कोई कॉन्टैक्ट है ही नहीं आपकी फैमिली से, और सडनली वो देखते हैं कि आपकी मम्मी के साथ वो 2 साल का बच्चा है। तो ये कितनी सच्चाई है? ये इतनी सच्चाई है कि जैसे मेरा फाइनल हुआ बिग बॉस का, मैंने मम्मी को फ़ोन किया और मैंने पहले बोल दिया था कि मम्मी शायद मेरा बिग बॉस में हो सकता है, तो प्लीज़ यू हैव टू कम। क्योंकि जब से मेरी दूसरी शादी हुई है मम्मी पहली बार मुंबई आई है, बट चूँकि बिग बॉस का मामला था तो इसलिए मम्मी ने ये लिया स्टेप कि चलो मैं आ जाती हूँ। हालांकि गौरव का मेरी मम्मी का बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जैसे आपने बोला मिले नहीं हैं, सिर्फ फ़ोन पर बात हुई है, ठीक है। तो मेरी इस दुनिया में, पूरी दुनिया में हर किसी के पास एक माँ, एक ऐसा बंदा होता है, इंसान होता है जिसके ऊपर पूरा आँख बंद करके भरोसा करता है। तो मेरे बच्चों के लिए मेरी माँ से बेटर कौन हो सकता है? और दूसरी बात, 6 महीने में उस आदमी से मेरी कोई बातचीत नहीं है, तो मैं किस क्या बोलूँ उसको कि अच्छा मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, प्लीज़ यू टेक केयर ऑफ माई सन, ये बोलूँ मैं? मैं ये दिखाऊँ उसको कि अच्छा अब मैं जा रही हूँ स्टार बनने के लिए तो तू बच्चे को संभाल? क्यों बोलूँ मैं? ये मेरी जिम्मेदारी। जब बच्चे मेरे साथ रह रहे थे तो मेरे को जो राइट पर्सन लगा उसको मैंने बोला, और उसके साथ साथ जो मेड जो 12 घंटे रहती है, और उसके साथ साथ
जो एक यहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा है, घर में कुछ भी चीज़ चाहिए, वो तीन तीन बंदे मैंने रखे हुए अपने घर पे, उसको आपको क्या लगता है बारात बिठा दूँ क्या? अगर वो बातचीत होती हम दोनों की तो तब भी तो वो बोलता है हेमा यार या तो मेरे घर से आएगा या तो वो तेरे घर से आएगा, क्या उसके बाद क्या वो खुद टट्टी साफ करता है क्या? उसने तो आज तक टट्टी साफ ही नहीं की है मेरे बच्चे की, उसने तो डायपर नहीं बदला, 2.5 साल का बच्चा हो गया, 2 महीने का 3 महीने का पना फिरता है बाप। देखा उसने कभी किस तरह की किस रंग की कैसा इसका दांत आया नहीं आया? आज तक सोचा कि इसको इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा? मैंने लगवाया इंजेक्शन, तो पैदा करना बड़ी बात नहीं है, जो पाल रहा है वो बड़ी बात है, और वो मैं पाल रही हूँ, चाहे पहले वाला बेटा हो चाहे दूसरे वाला बेटा हो। पर ये भी गया कि डिवोर्स आपके तरफ से हो रहा है, क्योंकि कोई तो आश्रम था जो उन्हें अपने होम टाउन में कहीं पे खोलना था और आपने यहाँ से ये आप 31 मार्च की बात बता रही है, जिस उस आदमी से मैंने जब शादी की, उसने शादी के कुछ महीने बाद ही मुझे बोल दिया था कि मैं उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक हूँ। और एक बार बोले तो ठीक है, मुझे मारे तो भी ठीक है, थूके तो भी ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाऊंगी, लेकिन जब बात मेरे बच्चे की आई ना, मैं डिप्रेशन से वापस आई हूँ। उस आदमी ने मेरा मुंबई से पैकअप, अफ्रीका, अफ्रीका से फिर अलीगढ़, अलीगढ़ से फिर अफ्रीका, फिर अफ्रीका से मुंबई, ये 2 साल की जर्नी है मेरी, कैसे झेला होगा मैंने, गाली कितनी खाई होंगी मैंने 2 साल में, मैंने इस आदमी ने घुमा दिया मुझे। और अब यहाँ पे भी तब आई हूँ मुंबई, जब मुझे लगा कि भैया अब मैं मुंबई ही जाऊँगी और वहीं जाके कुछ ना कुछ काम कर लूँगी, और इसने बोला था तो मुंबई चली जा, तेरे को महीने के 10,000 रुपये भेजता रहूँगा मैं, इतनी औकात है तेरी, छोटा घर ले लेना कहीं, 10,000 रुपये भेजता रहूँगा मैं, ये मेरी औकात है। उसने औकात 10,000 की बताई है मेरी, ये दो पिछले साल की बात है, फरवरी की, 10 मार्च को मैं यहाँ पर आई थी, और आते ही 2-3 दिन बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, और 18 मार्च को भी मैं हॉस्पिटल में थी, और पूछे क्या पूछना है। आपने जैसे कहा कि आपके बड़े बेटे से आपको मिलने नहीं दिया जाता था, यू नो, और आपके बड़े बेटे के साथ वो बहुत ज्यादा जुल्म भी करते थे, लेकिन उन्होंने कहा जब तक कि आपकी उनकी शादी नहीं हुई थी उनको कुछ पीछे प्रॉब्लम हुआ था बैक में, वो अभी भी है, वो अभी भी है, उन्होंने अलग अदर्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाया उनको, और फिर युगांडा भी लेकर गए, और फिर उसका जो भी स्टडी था वहां पर जाके उन्होंने एडमिशन वगैरह करवाने की कोशिश की थी, कितनी सच्चाई है ये बात? अगर एक्टिविटी करा दी तो भैया तुमने उसको बच्चों को अडॉप्ट किया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तुमने उसको एडमिशन की बात करा दी, वो तो कराना ही पड़ता है, जब तुमने उसको एक्सेप्ट किया है मेरे साथ तो मेरे बच्चों को तो कराना पड़ेगा, उसमें भी कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि तुम उस बच्चे को मार रहे हो, तुम तो ये जिम्मेदारी उठा रहे हो, तुम्हें तो पता था ना ये बच्चा मेरा है और तुमको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अब तुम आदमी हो गया, अगर मेरे को 25,000 की साड़ी पहना रहे हो और तुम्हारी लाखों की सैलरी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या दुनिया में तुम पहले ऐसे आदमी हो जो अपनी बीवी को साड़ी पहना रहे हो 25,000 की, या लाखों का डायमंड का सेट पहना रहे हो? अरे उठ के देखो क्या क्या करते अपनी बीवी के लिए, लेकिन उसको लगता है ये बहुत बड़ी बात है। पीछे उसके जो इशू था वो आज भी है, वो आज भी है, लेकिन उसको वो याद है। अब क्या हो रहा है पीछे आगे क्या, उसको कुछ याद नहीं है। तुमने एहसान कर दिया क्या? अगर तूने एहसान कर दिया है तो मैंने ऊपर तेरे ऊपर एहसान किया, तुझे बच्चा दे गया जो तेरे पहली शादी में नहीं था, तेरी मार खा के मैंने एहसान किया, मेरे सामने जो तूने मेरे बच्चे को मारा और वो मैंने देखा, मैं मरी नहीं, सुसाइड नहीं किया, वो मैंने एहसान किया है। किसी को खाना खिला के बोलेगा एहसान किया है? बच्चे को खाना खिला के स्कूल में एडमिशन करा के, सीरियसली डू यू थिंक ये एहसान है? ये फर्ज था जो वो कर रहा था। एहसान तब होता जब उसको बाप का प्यार देता, किसको इसके बाप का प्यार नहीं मिला, मैं दे रहा हूँ ये मेरा एहसान है, वो होता है एहसान। फर्ज का कोई एहसान नहीं होता, ड्यूटी इज ड्यूटी। देखिए, इन्होंने अपनी जो भी इंसिडेंट्स बताए हैं उससे रिलेटेड, ये बिग बॉस के कुछ दिनों पहले मुझे मिली थी लीगल एडवाइस के लिए, तो इनकी पूरी मैंने बातें सुनी थी, और बातें सुन के मुझे ये लगा कि इसमें काफ़ी कुछ इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। एक एजुकेटेड बंदा है, अगर इंटरव्यूज़ आके लोगों को कॉल करके इंटरव्यूज़ देता है, किसी कंपनी में जॉब करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच बोल रहा है। वो एक एजुकेटेड आदमी ज़रूर होगा, बड़ी कंपनी में बड़ी पोजीशन पे ज़रूर होगा, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस करना एक गुनाह है। आप अगर जानते हो कि एक किसी औरत के साथ शादी कर रहे हो जो ऑलरेडी डिवोर्सी है, तो आप उसके ऊपर लांछन नहीं लगा सकते। अगर आप एजुकेटेड इंसान हो, अगर आपको लग रहा है आप जिस औरत के साथ शादी में हो और वो सही नहीं लग रही है आपको, आप दोनों का
इक्वेशन मैच नहीं हो रहा है तो एक प्रोसीजर होती है, लीगल प्रोसीजर, जिसे डिवोर्स कहते हैं। आप अपना डिवोर्स लो, आप अगर एलिमनी देना चाहते हो, मेंटेनेंस देना चाहते हो, लॉयर एंगेज करो और ये सारी चीज़ें लीगल प्रोसीडिंग्स द्वारा करो। किसी औरत पर हाथ उठाना, किसी छोटे मासूम बच्चे पे हाथ उठाना, इनकी पोजीशन का या इनकी अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करना, ये कहीं भी लॉ में नहीं कहा गया है। कायदे से आप रहो, कानूनी चीज़ें फॉलो करो। आपको किसी ने लॉ वायलेट करने के लिए अधिकार नहीं दिए हैं। आप अगर एजुकेटेड आदमी हो तो एक एजुकेटेड आदमी की तरह बिहेव करो। जब ये मेरे पास आई, इन्होंने मुझे अपनी सारी चीज़ें बताई। ये पहले भी दो तीन लॉयर्स के पास जा चुकी थी, लेकिन इन्हें कुछ वजह से इन्हें लगा नहीं कि इन्हें जस्टिस मिलेगा। और मुझे भी ऐसा लगा कि इनकी सारी चीज़ें एविडेंसेस देख के, इनके पास काफ़ी सारे व्हाट्सएप मैसेजेस है, फोटोग्राफ्स है, इवन यहाँ तक कि वीडियोस है, जिसमें वो बंदा जो इनका हस्बैंड है, जो इंटरव्यूज़ बुला बुला के दे रहा है और सारी चीज़ें जो क्लेम कर रहा है या फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं, उसको हम कोर्ट में जब पेश करेंगे और पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी, जब ये पुलिस स्टेशन, जब ये बिग बॉस गई थी, उसके हमने 4-5 दिन पहले पुलिस कंप्लेंट कर चुके थे। डी एन नगर पुलिस स्टेशन में उस बंदे के खिलाफ कंप्लेंट है, क्योंकि ये वहाँ पे नहीं थी, प्रेजेंट नहीं थी, ये बिग बॉस के घर में थी, तो हम FIR नहीं रजिस्टर कर पाए। अब ये आ चुकी है, एक आध दो दिन में इनकी FIR भी रजिस्टर हो जाएगी। FIR जब हम रजिस्टर करेंगे, हम सारे एविडेंसेस जो है हम इनके पास, व्हाट्सएप मैसेजेस, वीडियोस, और उस बंदे ने जो भी इनके साथ इलीगल चीज़ें की है, जो कानून के दायरे में रह के नहीं की है, जो की है, FIR ज़रूर होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले दिनों में धीरे धीरे, जैसे हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स करेंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलती जाएगी। लेकिन आप अगर एजुकेटेड हो, सबसे पहला सवाल ये मेरा बोलने का, मैं तो सिर्फ लीगल बोल सकती हूँ कि पुलिस कंप्लेंट की है या हम डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेंगे या जो भी अप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट करेंगे, बट क्या ये सही है कि आप एक औरत अपने बलबूते पे खड़ी है, मेहनत करके यहाँ तक आई है, दो मासूम बच्चे, एक छोटा बच्चा है 2 साल का, उसे संभाल रही है, आप अभी तक कहाँ थे, आप अभी तक अपने बाप होने का फ़र्ज क्यों नहीं निभा रहे थे, क्यों आपकी पत्नी जब बिग बॉस के घर में जाती है, जब उसे थोड़ी बहुत फेम मिलती है या वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है या कुछ अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए करना चाहती है, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है, उस वक्त आपको अपने पर हुई चीज़ें या अपनी पत्नी ने जो गलत चीज़ें की थी वो आपको उस वक्त क्यों दिख रही है? और अगर इन्होंने कुछ गलत चीज़ें की थी उस वक्त, अगर बच्चा नहीं दे रही थी या उनके साथ कोई भी बदतमीज़ी कर रही थी या कोई भी ऐसी चीज़ कर रही थी, आप एक एजुकेटेड बंदे हो, आपका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, आपकी पहली शादी टूट चुकी है जिसमें आप आए भी नहीं हो, कोर्ट को एक्स पार्टे ऑर्डर पास करना पड़ा डिवोर्स का, आपकी पहली पत्नी ने भी आपके खिलाफ़ कंप्लेन की थी, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो आपने उस वक्त पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की, आपने उस वक्त लीगल प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं इनिशिएट की? अब जब कोई औरत अपने पैर पे खड़ी होना चाहती है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है, आपको वो सारी चीज़ें याद आती है? ये सारी चीज़ें जो होती है, इस टाइप के जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो मिसयूज़ करते हैं। आज पब्लिसिटी गेन करने के लिए आप जाके मीडिया में इंटरव्यूज़ दे रहे हो, आपको कहीं से पता चल रहा है कि हेमा शर्मा आगे जा रही है, बिग बॉस में जाने वाली, तो आप अपना उस वक्त YouTube, 2 साल आपकी कब मुलाकात हुई थी शादी.com के थ्रू, 2021 में उस वक्त शादी हुई थी। 2021 से लेकर 24 तक हेमा शर्मा गलत नहीं थी? सिर्फ बिग बॉस में एंट्री करने के बाद हेमा शर्मा गलत हो गई? या आपको जब जानकारी मिली कि ये अब बिग बॉस में जाएगी, कुछ बन जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, मेरा तो मेल ईगो हर्ट हो जाएगा? तो 21 से लेके 24 तक एक औरत आप पे अत्याचार कर रही है, आपसे पैसे डिमांड कर रही है, आपसे 2.5 करोड़ मांग रही है, आपके 2 साल के बच्चे को मिलने नहीं दे रही है, आपको कुछ याद नहीं आता है? आपको उस वक्त याद आता है जब ये बिग बॉस के घर में जाती है और कहीं ना कहीं जब उनको पता लगा होगा कि हेमा शर्मा बिग बॉस घर जाने के पहले मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर रही है, कर चुकी है, और मेरे पे FIR हो सकती है, क्यों ना मैं अभी से ही एक माहौल बनाना शुरू कर दूं ताकि मुझे इसका बेनिफिट कोर्ट में भी मिले और मुझे पब्लिक के लिए भी सिंपथी मिले।
मेरा इन शॉर्ट यही कहना है कि इनके साथ जो भी हुआ है उसके सारे एविडेंसेस के बेसिस पे हमने एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है। आने वाले दिनों में हम जो भी अप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग्स है इनके हक के लिए, इनके बच्चों के हक के लिए, हम सारी वो चीज़ें करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इनके बच्चों को उनका हक मिले, इनको इनका हक मिले। फाल्गुनी जी आपसे जानना चाहेंगे, एफआईआर हुई नहीं है, उससे पहले मीडिया ट्रायल्स करना, उन्होंने अपने तरफ का मुद्दा बता दिया, बट आपको नहीं लगता एफआईआर के बाद एक मीडिया ट्रायल करनी चाहिए थी एफआईआर से पहले? नहीं देखिए, मीडिया ट्रायल हम नहीं कर रहे, हमें कोई शौक नहीं। क्या आज तक हेमा शर्मा आप लोग के सामने पुलिस कंप्लेंट लॉज हुई? मेरे पास तो ये कॉपी आज से 15 दिन पहले से पड़ी हुई, क्या मैंने इसको सर्कुलेट किया? क्या हम आकर बोल रहे हैं ये बिग बॉस में आने के बाद, क्या ये बोल रही है कि मेरा पति ऐसा, या जाने के पहले पब्लिसिटी गेन कर ले कि ये तो कब से चल रहा है, ये आज आपको कंप्लेंट दिख रही है? इनके साथ तो ऑलरेडी ये लीगल नोटिसेस मेरे से पहले भी दूसरे लॉयर्स के थ्रू भेज चुकी है, ये लीगल एक्शन पिछले कंप्लेंट हम उसके साथ, इनकी जो प्रीवियस लॉयर थी उन्होंने काफ़ी उनको कांटेक्ट किया, उसको लीगल नोटिसेस जा चुके, प्रीवियस लॉयर को वो टाइम पे टाइम दे रहा था, डेट पे डेट। उसका ये मकसद था कि जिस कैसे भी करके मुझे डिवोर्स लेना है हेमा शर्मा से। ये सारी चीज़ें आज से नहीं चल रही है, पिछले 8 महीनों से 9 महीने से शायद उससे भी ज़्यादा से चल रही है। वो बंदा अप्रैल से चल रही है वो बंदा, पिछले लॉयर उसको बुला बुला के थक गई कि अगर आप डिवोर्स चाहते हो, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स करना चाहते हो, मैं चाहती हूँ कि मैं आप दोनों को एक साथ बिठाऊँ, आप दोनों अपनी बात रखें, क्योंकि हमें जब डिवोर्स पिटीशन म्यूचुअल कंसेंट हो या डिवोर्स पिटीशन जब फाइल करना होता है, अगर म्यूचुअल कंसेंट है तो दोनों पार्टीज़ को साथ में बिठाना पड़ता है ताकि हमें पता चले कि अगर कोई कंसेंट टर्म्स फाइल करनी है, कोई सेटलमेंट है, या वो पैसे दे रहा है, एलिमनी दे रहा है, बच्चों की कस्टडी, तो उस पहले वाले लॉयर ने अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूं, वहां पर तो कंप्लेंट एफआईआर फाइल होती ही है डोमेस्टिक वायलेंस पर, पुलिस कंप्लेंट नोटिसेस के लिए सिर्फ इसका जवाब ही मैं आपको दे रही हूं, आप ठीक से सुन लीजिए। जब सेटलमेंट की बात हो रही है कि म्यूचुअल डिवोर्स होने वाला है, तो मैं या कोई भी लॉयर ये नहीं चाहेगा कि लिटिगेशन बढ़े, कि पुलिस कंप्लेन करो। जब ऑलरेडी बंदा सामने से सेटलमेंट की बात कर रहा है तो पुलिस कंप्लेन करने की कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, कि अब अगर हम म्यूचुअली एक दूसरे को डिवोर्स देना चाहते हैं तो हम पेपर्स बनाएंगे और डिवोर्स का जो म्यूचुअल कंसेंट का जो एप्लीकेशन है वो फैमिली कोर्ट में होगा, ना कि पुलिस स्टेशन जाके डिवोर्स होने वाला है, ना म्यूचुअल कंसेंट से होने वाला है। म्यूचुअल कंसेंट की वो बंदा खुद बात कर रहा था। अगर मुझे सामने से कोई बोलेगा कि नहीं मुझे कोर्ट कचहरी नहीं करना है, मैं अपना शांति से अलग हटना चाहता हूं, तो इसका कोई भी लॉयर यही एडवाइस देगा कि आप दोनों साथ में बैठिए। और जब हम म्यूचुअली अग्री कर रहे हैं कि हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना है, तो पुलिस कंप्लेंट करना या डोमेस्टिक वायलेंस में कंप्लेंट करना कोई मतलब नहीं बनता है। सेटलमेंट की बात रही तो ये इनका कहना है, गौरव का कहना है, वो डिमांड की थी, वही उनका ये भी कहना है कि उनका इतना था कि वो मीरा रोड तक आपको घर दिलाए, इसलिए मैं कह रही हूँ सेटलमेंट की बात, वो सिर्फ वन साइडेड कह रहे हैं। हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस है, हमारे पास वीडियोस है, मैसेजेस है, तो उनके कहने से हमें यहाँ नहीं बैठना है, वो क्या कह रहे हैं, ये हम क्या कह रहे हैं। आज जो ये हो रही है, जो भी वो सामने से एलिगेशंस लगा रहे, इसके लिए मुझे भी आना पड़ा। अदरवाइज मेरा इनसे यही एडवाइस था कि आप कोर्ट में फाइल करो, पुलिस कंप्लेन करो, जो भी करो, बट सामने से बंदा जब आ रहा है तो इनका जवाब देना बनता है। वो सेटलमेंट की बात बोल रहा है कि मैंने सेटलमेंट की बात की, इन्होंने की, ये बोल रहे इन्होंने की, उसने की, उसमें हमें नहीं जाना है। आने वाले दिनों में जब लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगी, हमें एविडेंस तो लगाना पड़ेगा, हमें व्हाट्सएप मैसेजेस, हमें चैट्स, वो सारी उसको एग्जिबिट करनी पड़ेगी, उनको बोलने दो ना, वो तो कुछ भी बोलेंगे। इसका जवाब मैं यही दे रही हूँ कि अगर सेटलमेंट, चलो ये भी कह रही है या वो भी कह रहे, कोई भी कह रहा है, बात तो यही थी ना कि दोनों लोगों को साथ में नहीं रहना था। तो अगर ये सेटलमेंट की बात कर रही है और अगर वो चाह रहे कि चलो ये भी कह रही है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर इन्होंने भी कहा कि मुझे सेटलमेंट करना है, मुझे आपको छोड़ना है, तो इसका रास्ता क्या होता है? क्या मीडिया में बाइट्स देना होता है, इंटरव्यूज देना होता है, या कोर्ट एडवोकेट की ऑफिस में जाना होता है? आप एडवोकेट की ऑफिस में पिछले 5-6 महीने से जा नहीं रहे हो, आप मैसेजेस पे बोल रहे हो कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, मुझे बीपी का प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स है, आप उस वक्त क्यों नहीं जा रहे हो? अगर चलो इन्होंने भी कहा,
तो आप क्यों नहीं एडवोकेट के पास जा रहे हो? आपको जाना चाहिए था ना, चाहे ये करिए वो करिए, एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि दोनों को डिवोर्स चाहिए था, चाहे इनको चाहिए उनको चाहिए, सेटलमेंट की बात हो रही थी, आपने लॉयर के पास जाके बात कर लेनी चाहिए थी आपको, ना कि ये बिग बॉस में जाने के बाद सबको मीडिया वालों को कॉल कर रहे मुझे इंटरव्यू देना, मुझे इंटरव्यू देना. आपको कैसे पता चलेगा कि हेमा शर्मा के घर में क्या चल रहा है? आपको जब या तो हेमा शर्मा बोलेगी या उनके हस्बैंड कॉल करके बोलेंगे तभी तो आपको पता चलेगा. आप ये बिग बॉस में तब लोगों को कॉल करके इंटरव्यूज दे रहे हो, इससे अच्छा आप कोर्ट में जाओ ना. डिवोर्स इनको चाहिए, आपको चाहिए, जिस किसी को भी चाहिए. और आपके अगर आरोप जो भी है, आप या तो इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन फाइल करो या आप डिवोर्स पिटीशन फाइल करो. मीडिया ट्रायल कौन चला रहा है? अगर इतना ही अत्याचार किसी आदमी पे हुआ है तो आदमी पढ़ा लिखा है, 10 लाख की महीने की सैलरी ड्रॉ कर रहा है, बड़ी पोजीशन पे है और इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, उसको मुझे या आपको या इनको एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है. और वो आदमी जो ऑलरेडी डिवोर्सी है तो वो कायदा जानता है. बात यही समझ में आनी चाहिए. आपने पहली बीवी के बारे में क्यों इंटरव्यूज़ नहीं दिए? क्यों आप नहीं बोल रहे हो? नहीं, ये पता था कि जो है डिवोर्स हुआ, लेकिन क्यों हुआ है वो मुझे, जब मेरी बात बिगड़ी है तब रिश्तेदारों ने मुझे बताया कि इनका रवैया उसके साथ भी बहुत गंदा था. क्योंकि वो बेचारी तो जब इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, जो मेरी शक्ल भी ठीक है, अकल भी ठीक है और शायद कुछ कर भी लेती हूँ, तो वो तो बेचारी बहुत ऑर्डिनरी सी थी और बहुत उसका भी जो है मारा पिटाई उसके साथ बहुत होती थी. और फिर ऐसा शायद एक दिन आया, 2015 की बात है, कि उसको पुलिस बुलानी पड़ी, जो मुझे इन्होंने ही बताया है, ठीक है. और उसके बाद ये भाग गए अफ्रीका और उसके बाद इन्होंने उसको पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा. और उसके बाद उस लड़की को, उनकी फैमिली को वन साइडेड डाइवोर्स लेना पड़ा, जो पेपर मेरे पास हैं. दूसरी बात, आप बोल रहे थे कि जो है 2.5 करोड़ वाली बात, घर वाली बात, तो मैंने उनको लिख दिया था सीधा टॉक टू द माय लॉयर. तो अगर उनको डिवोर्स चाहिए था तो वो उससे बात करते ना कि यार हेमा जी से मेरी बात हुई है, आप प्लीज़ हेमा जी को कन्विंस करें कि मेरे पास इतना बजट नहीं है या जो भी है. पर भैया पहले सामने तो आ. अभी जो मेरे साथ आ रहे हैं वो मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं, जो मुझे 2012 से जानते हैं और जिन्होंने ये मेरी शादी कराई है दूसरी, और जो गौरव के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और सामने से उन्होंने क्या क्या किया है मेरे साथ. दिनेश, हेमा जी आपसे एक सवाल है. जैसे फाल्गुनी में आपने बोला कि ये सारी चीज़ें अब क्यों निकली है, बिग बॉस जब काफ़ी वक्त से चल रहा था तब क्यों नहीं बोला, तो इस बात को लेकर क्या आपकी बात हुई है उनसे? देखिए ऐसा है, मैंने उस आदमी का नंबर कर रखा है ब्लॉक, सीधी सी बात है. उस आदमी के इस वक्त चल रहे हैं 3 से 4 नंबर, ठीक है. तो जो आदमी डिवोर्स के टाइम पे जो मुद्दे की बात है वो तो कर नहीं रहा है, और उसमें भी जो है फिर वो वही बातें कर रहा है जिन बातों से मैं हो गई हूँ परेशान. लास्ट मेरे पास जो मैसेज आया है वो आया था उनका युगांडा के नंबर से मैसेज किया, कॉल आया था अगस्त के महीने में जब उनको पता चला था कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ. तो रात के 3 बज रहे थे इंडिया के जब उनका फ़ोन आया था. मैं भी जागी थी क्योंकि मैं कल क्या करना है वो चलता है मेरी ज़िंदगी में. मैंने कहा भाई इसका रात को 3 बजे फ़ोन आ रहा है, 3 मिस्ड कॉल बहुत बड़ी बात होती है. मन में ये भी था कि कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है, ऐसा तो नहीं कुछ बात शेयर करना चाहता है. लेकिन मैंने जब 3 फोन नहीं उठाए तो मैसेज आता है कि तुम बिग बॉस में जा रही हो, जो करना है ड्रामा करो, लेकिन मेरी इमेज खराब मत करना क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारे अफेयर्स के बारे में किसी को बोला नहीं है. तो मैंने कहा भैया मेरा कौन सा अफेयर्स है. उसके बाद सलमान खान वाली जो है कॉन्ट्रोवर्सी, एक मनीष करके हैं, मनीष न्यूज़ नेशन में काम करते हैं वो, ठीक है. तो हमारा बीच में जो एक पीआर ग्रुप बना था, मैं गौरव और वो, तो अगस्त के महीने में डेट मुझे याद नहीं है, मैसेज आता है मुझे कि हाय दिस इज़ गौरव सक्सेना और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा हूँ जिसमें आज तक इंडिया टीवी फलाना फलाना है और मैं ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी फेक कंट्रोवर्सी इसके बारे में बोलना चाहता हूँ. मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ सलमान जी को कि क्योंकि मैंने भी उसमें कुछ कुछ बोला है. तो वो मैंने देखा, स्क्रीनशॉट ले लिया और वहाँ से ग्रुप से एग्जिट हो गई. तो जैसे एग्जिट हो गई तो भाई साहब ने वो मैसेज डिलीट कर दिया. तो भैया जिसको करना होता है वो बोलते नहीं है, मैंने किया है फिर आप लोग यहाँ पर आए हो. कि वो 20 दिन बाहर रहते थे, 10 दिन आपसे मिलने आते थे. वो 20 दिन क्या होता था वो उन्हें नहीं पता. अच्छा, कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे कि आप चीट कर रहे थे. जैसे कि
किसके साथ? वो मेरा बॉयफ्रेंड का नाम नहीं बताया उन्होंने? नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि वो 20 दिन बाहर रहते थे, 10 दिन आते थे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप वो 10 दिन उनके साथ देते थे, पर 20 दिन क्या होता था उसके बारे में उन्हें नहीं पता। चलो, वो आदमी का जब मन करता था वो तब आता था, हर हफ्ते आता था। मैं जिस दिन से उस आदमी को मिली वो कभी मुझे बता के नहीं आए। उसको लगता था कि मेरा कोई चक्कर है और मुझे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन होता तो मिलता ना, मैं हमेशा सोए हुए मिलती थी, या तो खाते हुए मिलती थी या नहाई हुई मिलती थी। हमेशा वो घर की चाबी रखता था, हमेशा हर हफ्ते आता था। इवन वो अपने ऑफिस के जो लोग हैं उनसे झूठ बोला करता था कि मैं आज इस कंट्री में हूँ, और यहाँ का फ़ोटो चिपका देता था, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं घर से काम कर रहा हूँ। उसको यहाँ हर हफ्ते आने की लगी रहती थी, उसको लगता था कि उसकी घरवाली भाग जाएगी। क्यों भागेगी भैया, तेरे अंदर कमी है क्या कुछ? मैं तो नहीं भाग रही, मैं तो नहीं जा रही युगांडा। सेम मेरे साथ भी तो हो सकता है, मुझे भी तो डाउट हो सकता है, लेकिन मुझे पड़ी नहीं है। जिस आदमी ने मुझे इतना परेशान किया हो, मुझे क्या क्या करूँगी उसके, मैं जान के मेरी तरफ से तो गू खा, आई डोंट केयर। तुझे मेरी पड़ी होगी, मुझे नहीं पड़ी है। तो वो हर हफ्ता आता था, और 20 दिन तो हमने ज़्यादा बता दिया, महीने के वो 35 दिन यही रहता है, 35 होते ना, हाँ चल नहीं सॉरी ज़्यादा बता दिया मैंने, 25, 5 दिन वहाँ रहता था बस वो। और उसको सब पता रहता था, सलून में जाती थी ना तो वीडियो कॉल, किसी के पास बैठी हूँ तो वीडियो कॉल, ऑफिस में हूँ तो वीडियो कॉल। ऑफिस भी इसलिए बंद कराया क्योंकि उसने बोला मैं धंधा करती हूँ ऑफिस में बैठ के, मैं समाज सेवा के ऑफिस में बैठ के धंधा करती हूँ। जो मेरे एक दो दोस्त आ गए, प्रोड्यूसर आ गए, डायरेक्टर आ गए, तो क्यों बुला रही हूँ उनको, समोसा खिला रही है, साले पैसे तो देते नहीं है ये लोग, क्या समोसा खिलाने के लिए ऑफिस खोला है क्या? ये बात जब मेरी एडवोकेट को पता चली, पहली वाली को, उसने बोला हेमा जो आदमी समोसे गिनेगा वो आदमी तेरे को पैसा देगा क्या? ये तो कट सी होती है कि कोई आदमी आए तो पानी दे। बोले ऑफिस में वही आदमी होना चाहिए जो पैसा देकर जाएगा फाउंडेशन के नाम का। मैंने किसी से मांगा नहीं। उनके 2 लाख रुपए फंड आया था उनकी कंपनी से, वो 2 लाख रुपए आज भी वैसे का वैसा है उनके अकाउंट में, मेरे हमारे हेमलता चैरिटेबल। उसने तो फाउंडेशन इसलिए खोली थी कि वो करोड़ों का फंड लेगा, जब नहीं आया तो उसको बुरा लगने लगा। जब एक औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा कि ऑफिस में तू धंधा कर रही है, क्या वो औरत ऑफिस में जाके बैठेगी? मैंने बंद कर दिया वो ऑफिस, 15 दिनों के मैं गई नहीं, मेरे घर की काम वाली को हटा देता था। काम वाली लगाएगी तू? तेरे बाप ने भी लगाई है कभी काम वाली? पोछा लगाएगी तू? और पूछो। जैसे कि आपने कहा कि बच्चों पे वो अत्याचार करते थे, वैसे ही मेरा बड़े वाला, उसके वाला नहीं। और जब उनकी ही फैमिली की बात आई, कहीं ना कहीं उनके भाई के बेटे से आपको काफी प्रॉब्लम था उसके बाद? अभी बताती हूँ। मैंने तो इस आदमी का वो रूप देखा है कि फंक्शन हुआ मेरे बेटे का, जैसे 11 दिन का फंक्शन होता है, उसमें दारू पी के इसने हंगामा कर दिया, जिसमें इसने अपने भाई की कर दी बेइज्जती, धज्जे उड़ा दी मुंह पे थूक के। 100 लोग थे उस दिन फंक्शन में, इसने अपनी भाई की जो बेइज्जती की, उसके भाई और भाभी बेहोश हो गए थे। और फिर उसके बाद इसकी फ्लाइट थी, फिर फ्लाइट इसने कैंसिल करके माफ़ी मांगने आया, फिर उसके बाद दूसरा भी फंक्शन होता है, फिर उसमें भी झगड़ा करता है। तो इस पर दारू झिलती नहीं है, दारू करके ये झगड़ा करता है। और रही आपकी बात, तो मेरा अधिकार है, मेरा पैसा ले रहा है क्या वो कि मैं बोलूंगी? अगर मैं इतनी पैसे वाली होती तो आज वो मकान जो है ना अलीगढ़ का, उस पे मेरा नाम होता। मेरा अधिकार क्या है इसके पैसे पे बोलने का कि तू इसके बच्चों को कर, तू उसके बच्चों को कर, ये बताना। और अगर ये बात है तो उसके भाई ने, सगे भाई ने मुझे बोला, अगर हमें पहले से पता होता कि तू बच्चे की माँ है तो हम तो करने नहीं देते। तो भैया मुझे भी अगर पता होता कि तुम्हारे भाई की पहली बीवी की क्या दुर्दशा हुई थी तो क्या मैं कर लेती? तेरे तुम्हारा भैया इतना मीठा बना, हिमा मैं यश को बहुत प्यार दूंगा, जो मेरा बड़ा बेटा, मैं यश को बहुत प्यार दूंगा, हम दूसरा बच्चा भी नहीं करेंगे, यश इज इनफ, इसी को मैं बहुत बड़ा करूंगा, पालूंगा पोसूंगा। लेकिन जैसे मेरा दूसरा बच्चा, जिस दिन मैं जा रही थी ना डिलीवरी करने, मेरे बच्चे को बोल दिया था ये मनहूस का बच्चा नहीं आना चाहिए, इसका साया नहीं पड़ना चाहिए। मैंने बोला मेरा बच्चा है ये आएगा, मुझे बोलता, इसको बोलता था दूर हट मेरे बच्चे से, दूर हट, तेरी मनहूस शक्ल इस पर पड़नी नहीं चाहिए, कुत्ते की औलाद, भिखारी की औलाद, क्या सुनोगे तुम सबकी रूह कांप जाएगी अगर दिखा दूंगी तो कुछ। मेरे सामने मेरे बच्चे को जलील किया जा रहा था, मजबूर थी मैं, ये बोली ना कि क्यों नहीं फाइल की थी, मुझे लग रहा था समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे कि तू से शादी नहीं चला पाई। ये 31 मार्च के बाद मैंने बोला भाड़ में जाए समाज, तब जाके मैं गई कि ये तो बोलता है मैं इसको डिवोर्स दूंगी, और उसको हजम नहीं हुआ वो कि यार मैं तो बोलता था, ये तो जाके बैठ गई। तब उसे लगा ये क्या हो गया, तब उसने कैलकुलेट किया कि कितना बचेगा और कितना जाएगा।
अरे एक बार बोल के तो देखता कि हेमा मेरे पास नहीं है, हेमा तो इतनी दिलदार लेडी है, मेरे पास जो होता वो भी तेरे हाथ पर रख देते कि जा तुझे मुक्त कर दिया, बोल के तो देखता एक बार। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं, अभी आप क्या चाहती है? डिवोर्स चाहती है, डिवोर्स तो ठीक है बस, लेकिन वो अभी बहुत सारे यू नो पैसों को लेकर बोल रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ उनसे पैसे ही, हर महीने का आपका लाख रुपए का खर्चा है, खर्चा था। अप्रैल के बाद कोई पैसा नहीं भेजा है, बता देती हूँ, अप्रैल में लास्ट पैसे भेजे थे 1 लाख रुपए, वो मैंने 15 मिनट नहीं लगाए वापस भेजने में कि सोन अब मेरे पास कोई मेरे ऊपर कोई एहसान मत करना, अपनी खुद की रोटी मैं खुद के पैसे से खाऊंगी। उस दिन के बाद मैं कोई पैसा नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया है, 35,000 रुपये का सिर्फ रेंट, वो भी इसलिए क्योंकि वो डायरेक्ट देता है। और मैंने अपनी वीडियो में बोला है कि सुन अगर ये रेंट भी नहीं भरना हो ना तो मत भरना, हेमा शर्मा के इतने के अंदर इतना दम है कि ये 35,000 का रेंट भी खुद भर लेगी, ये मैंने बोला हुआ है। तो जो औरत पैसे की लालची होगी ना वो ये बोलेगी नहीं, वो लाइट का बिल भी भरवाएगी, खाने का बिल भी भरवाएगी, और बच्चा जो दूध पीता है वो भी भरवाएगी, बच्चा तो उसी का है ना, वो बोलता है ना। और पूरा नहीं करते वो अभी, वो बच्चे का पूरा नहीं करते, उनका बच्चा है पालन पोषण के लिए कुछ नहीं। अप्रैल से मैंने क्या लिया बताओ? कुछ नहीं लिया, जीरो, सिर्फ 35,000 रुपये घर का किराया है। इससे पहले मैं 71,000 रुपये घर में रह रही थी, मुझे बोलता था यूट्यूब से 71,000 रुपये भी नहीं कमा पाती है तू, उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल में इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि उनको लगा मैं 10 लाख रुपये कमाऊंगी, बोलते थे अब तू पैसा कमा, अब मैं घर में बैठूंगा तेरे लिए पराठे बनाऊंगा, मेरा बहुत हो गया तू पैसे कमा। जब मैं 10 लाख रुपये नहीं कमा पाई, जब मैं 1 लाख रुपये भी नहीं कमा पाई, तो उन्होंने बोला घर का किराया भी नहीं निकाल पाती तू, तेरे चक्कर में 1 लाख रुपये तो किराया ही जा रहा है मेरा। फिर मैंने अब उससे परेशान होकर 35,000 के घर मैं रह रही हूँ कि कल को ये आदमी ने, वो आदमी ने मेरे को एक उस घर से कितनी बार बोला इसका किराया मैं भर रहा हूँ निकल, कि चलो कल को अगर घर के रेंट भरने की बात आएगी तो मैं 35,000 रुपये भर सकती हूँ, इसलिए मैंने छोटे घर में रहना मंजूरी किया। अगर कस्टडी की बात करूँ तो छोटे बच्चे की कस्टडी आप किसको, अपने पास रखना चाहूंगी या दे? लीगली तौर पे माँ के पास आती है, ठीक है। उनका रवैया अगर मेरे बड़े बेटे के साथ होता अच्छा तो मुझे समझ में आता, उनके परिवार के साथ होता मेरे साथ होता, वो आदमी का रवैया दारू पीता है, दारू पीने के बाद उसको याद ही नहीं है कि हेमा को उसने कितना मारा था, बोलता है आई एम सॉरी यार हेमा मुझे तो याद नहीं है, तो क्या मैं छोड़ दूँ? छोड़ दूँ? अरे भैया कानूनी तौर पर कस्टडी माँ के पास ही आती है यार, अभी बच्चा तो 2 साल 3 महीने का है, जब बच्चा 5 महीने का हो जाए तब तुम बच्चे से पूछो, आज मेरा बच्चा 13 साल का, उसको पूरा अधिकार है। परसों मेरा बड़ा बेटा अपने फादर के पास रहकर आया है, मतलब फिल्म देख के आया, मैंने बोला अरे यार तू रात को रह जाता उसके पास, नहीं रहना उसको, बच्चे को 5 साल का होने दो, बोलने दो, बच्चे को डिसाइड करने दो, मेरा बच्चे खुश रहने चाहिए, चाहे बड़े वाला हो छोटे वाला हो, चाहे माँ के पास रहे बाप के पास रहे, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे सेफ और खुश रहने चाहिए। नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, पर मैं मुझे जितना नॉलेज है मैंने कभी शक्ल भी नहीं देखी, बट बहुत एवरेज बताई जा रही है, जिसको ये बहुत मारता था और जो है बहुत सीधी सादी थी, और पुलिस उसने बुला ली थी, छोड़ के भाग गया था, उसके बाद इसने कभी उसका ये पीछे मुड़ के इसने नहीं देखा। ये भी इसका डिवोर्स भी जब पता चला, जब मेरे साथ शादी करने की बात आई कि मैं चेक तो कर लूँ मेरा डिवोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है, तब जाके पता चला कि तेरा डिवोर्स हो गया है, और वो भी वन साइडेड। नहीं भैया कहाँ से बात करूँ मैं, कहाँ से पता निकालूँ, कानपुर में किसको जाके बोलूँ कि भैया यहाँ कौन रहता है, कैसे पता करूँ मैं? और मेरे अब वही तो मेरे पास समय, बच्चों के लिए दाल रोटी का इंतजाम करूँ कि इसकी वाइफ के मैं पीछे पड़ूँ? इसको बड़ा इंटरेस्ट है, भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे को तेरे से प्रॉब्लम है, तेरे से बात रखूँगी मैं, खत्म है ना, क्यों मैं वो गड़े मुर्दे उखाड़, उससे मेरे को मिलना क्या है, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। राहुल पवार ना, परिहार, परिहार का, थैंक यू सो मच, मैं बता देती हूँ, जब ये मेरी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी तो उसके बाद राहुल ने मेरे को ईमेल किया था कि हेमा जी मैं एक शो करता हूँ उसके, मुझे आपको बुलाना है। मैंने कहा ठीक है ओके। उसको पता चल गया था कि सलमान खान का इसका लकी दीवानी है जो भी है, तो उसने बोला मैं आपको सलमान जी से मिला देता हूँ, मेरा तो डेली का ही है, ये रोज़ का ही है। मैंने कहा अच्छा भाई क्या बात है, तो उसने बोला बिग बॉस में भी करा सकता हूँ मैं आपका। मैं ओवर एक्साइटेड हो गया, मैंने क्या बात है भैया। उसने क्या किया, जाल में फंसा के, अच्छा हेमा जी क्या है मेरी बात तो हुई है, लेकिन उन्होंने बोला हेमा जी थोड़ा मार्केट बनाना पड़ेगा आपका, बाहर लोग जानने चाहिए ना। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, तो थोड़ा पैसा लगेगा, अभी आप एक काम कीजिए 1 लाख रुपए भेज दीजिए, तो पहले 1 लाख की बात हुई, इसमें प्लस GST,
ओके तो ऐसा करके उसने अर्शी खान जो है अर्शी खान से एक वीडियो बनवा ली, तो हमको भी लगा चलो यार थोड़ी बहुत तो बात सही होगी, लेकिन अर्शी खान के बाद आगे कुछ बात ही नहीं चल रही, तो मेरे को भी डाउट हुआ। फिर बात आती है एक और 1 लाख रुपए की, तो गौरव को मैंने बोला ठीक है, तो गौरव ने दिया, लेकिन गौरव ने बोला था मुझे लगता नहीं है पैसा वापस आएगा, बट मुझे पता था मैं दे रही हूँ तो मैं लूँगी भी। तो बाद में उस आदमी ने हमें घुमाया, मुझे डाउट हो गया, मैंने ली उसके गिलास में, कहते भैया ऐसा है जब मैं सलमान खान वाली मेरी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है तो तेरी तो मैं क्या हाल करूँगी तू देख ले। वो डर गया उससे और उसने पूरे 1 लाख समथिंग कुछ पैसे वापस लौटाए हैं। लेकिन वो 3.5 लाख रुपए की बात कर रहे गौरव कि आपको बिग बॉस के लिए 3.5 लाख रुपए दिए थे। बिग बॉस, अरे बिग बॉस मैंने तो उस आदमी की शक्ल भेजी है बिग बॉस की टीम को अभी जब मेरा हो रहा था, क्योंकि उसकी फोटो मैंने विशाल पांडे के साथ देखी। मैंने कहा सर ये कौन आदमी है, बोले इसको कोई नहीं जानता। हेमा क्यों, मैंने कहा भाई इसने मेरे को फंसा लिया था बिग बॉस के चक्कर में। तो उन्होंने बोला हेमा इट्स वेरी क्लियर हम कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं और इस आदमी को तो हम वैसे भी नहीं जानते हैं, और अभी मेरे पास फ़ोन नहीं है, नहीं तो मैं बता देती अगली जब करोगे आप तो मैं बता दूंगी। पैसे तो उस आदमी ने मुझे ही भेजे थे ना, अकाउंट में भेजे थे ना, तो उसे तो कोई मिटा नहीं सकता, दिखा देंगे आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी अभी तो। और क्या बोल रहे थे कि मुझे उसने मुझे मदद की, किस बात में मदद की भैया? कह रहे थे ना कि बिग बॉस के घर के अंदर जाने के लिए उन्होंने काफी सपोर्ट किया। वो बात कितनी 2023 के बाद चल रही है, ये सितंबर अक्टूबर, और अभी क्या चल रहा है अक्टूबर, अक्टूबर से अक्टूबर लगाओगे तो क्या कितना हो गया टाइम, एक साल 31 अप्रैल से मैं उस आदमी से बात नहीं कर रही हूँ, तो 6 महीने में इस औरत को मैंने छोड़ा, ये इसने मुझे छोड़ा, और तब जाके ये ऐसे हालात में बिग बॉस में गई है, तो उसकी बदौलत गई हूँ कि मैं गई हूँ या अपनी मेहनत से गई हूँ? मैं फिर से बता रही हूँ, मैं OTT 3 के लिए गई थी, मुझे तो मैं तो अपने आप को समझती भी नहीं थी कि मैं कलर्स के लिए डिजर्व करती हूँ। मैंने चलो भाई भाजान के साथ मेरी कंट्रोवर्सी हुई है, मैं उसमें देखती भी नहीं हूँ, अनिल कपूर जी आ रहे उसमें चिपका लेते अपना लक, देखते हैं क्या होगा, लेकिन नसीब में था मेरा, हो गया, उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ कि साला मैंने इसको क्या छोड़ा, तो उसे था बिग बॉस में पहुँच गई, जब ये पैसा लगा रहा था तो मैं क्यों नहीं चलेगी बिग बॉस में बताओ? 1 साल में कितने दिन होते हैं, 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 1 साल की बात अब बोलोगे कि मैंने उसको भेजा? तो भैया सुन, पैदा भी तूने मुझे किया है और टट्टी भी तूने मेरी धोई है, समझ में आया? तूने पहली शादी में कन्यादान भी तूने किया होगा और पहला बेटा भी तेरे से ही होगा मेरा, सारे काम तूने किए हैं, मेरे माँ बाप ने नहीं किया कुछ भी, या मेरे जो यार दोस्त थे उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने जो दबंग तेरी की वो भी तूने करा दी होगी, उसमें भी पैसे तूने लगा दिए होंगे, यमला पगला किया वो भी तूने करा दिया होगा, या जीवन में मैंने जितना कुछ उखाड़ा है ना वो तूने किया होगा। मैं तो सोच रही हूँ बिग बॉस में जो वो डांस वन जो किया ना वो भी तूने किया होगा, तेरी आत्मा मेरे अंदर आई होगी। मुझे कहीं ना कहीं पता था, आई न्यू दैट, इसलिए लोग जब उसने वीडियो बनानी शुरू की तो वो मेरी उसको मेरी जैसे मुझे बोलता है कि हेमा जी अपने आप को कौन बोलता है, सलमान जी ने हेमा जी बोला है, सलमान जी को जाके पूछ के हेमा है, सलमान जी अब हेमा क्यों नहीं बोल रहे, हेमा जी क्यों बोल रहे हो, बिग बॉस ने मेरे को हेमा जी बोला है, अब उससे बड़ा उदाहरण तो मैं दे नहीं सकती। तो जब मेरा कोई नाम लेता है तो जी ऑटोमेटिकली आता है, उसको इससे भी प्रॉब्लम है। तू भी बोल ले अपने आप को गौरव जी, गौरव जी तो लायक तो होना चाहिए इसलिए गौरव जी। सॉरी मैं आपका सवाल मिस कर गई शायद। हाँ तो मुझे वो वीडियो बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे पता था कहीं ना कहीं मैं बिग बॉस में जा रही हूँ और भैया मेरे को बिग बॉस में जाना मेरे लिए बहुत मैटर करता है, ये आज है कल नहीं रहेगा, तो उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट करना मतलब नहीं, उसके पास बहुत समय है, उसके पास बढ़िया लाखों में सैलरी आ रही है, तो इसीलिए उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे पास हज़ारों में पैसे आते हैं जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और मैं तो बोलती हूँ, बोलता मेरी पत्नी, जब मैं देखती हूँ उसकी कौन देखता वीडियो, आखिरकार में तो मेरा चेहरा ही काम आया ना, जैसे फेस आईडी होती है ना, तो फेस आईडी तो मेरी चली ना तेरे यूट्यूब पे, जैसे नाम हेमा की कहानी वैसे गौरव की कहानी, इतना क्रिएटिव है, इतना ओरिजिनल था, तो कुछ तो रियल करता ओरिजिनल। मैंने नहीं किसी से पूछ के लिखा था हेमा की कहानी इसलिए थी क्योंकि मेरी कहानी और नॉर्मल नहीं है, हेमा की कहानी यहाँ रिप्रेजेंट होगी तो कुछ तो रियल करता। अच्छा मैं अपने दोस्त वाला चलेगा आपको, प्लीज़ आ जाओ दिनेश और जावेद, एक मेरे दोस्त जिनके पास मेरी पूरी घर की जिम्मेदारी थी, जिनके पास 3 दिन पहले फ़ोन आया था, उसका 2 घंटे बात हुई थी, जब बात खुलेगी तो फिर कहना रजत के चौड़े में खुलेगी। अरे भैया पैसे की तेरे पास दिक्कत हो गई है तो हमसे ही ले ले, हम भी दे देंगे जो भी है हमारे पास 10-20 रुपए। साला लालची आदमी।
ये मेरे दोस्त हैं जिन्होंने गौरव को शादी से पहले मैंने मिलवाया था पंडित जनार्दन जी के साथ ताज में, जो जिसने उन्होंने कल जिक्र किया है, तो इनको मिलवाया था, ये भी थे और फिर शादी में भी ये आए थे जैसे पंडित जनार्दन आए थे, सेम, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं। और ये मेरी पहली की जर्नी भी जानते हैं, हालांकि ये एस्ट्रोलॉजर, इन्होंने मुझे बोला था शादी मत कर, तेरी कुंडली में गड़बड़ है, पर फिर भी मैंने कर ली। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो भी बोले, ये अपने आप बोले, आप इनसे सवाल पूछ सकते हो गौरव के थ्रू कि भैया गौरव जो ये एलिगेशन लगा रहा है, क्योंकि जो लॉयर है प्रीवियस वाली, उनको वो बहुत, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, सारी चीज़ें ये जानते हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है कोई भी बात, तो आप इनको बिंदास जो आपका दिल करता है वो पूछ सकते हैं। अक्टूबर था शायद, 10 अक्टूबर के, हाँ 10 अक्टूबर, 9 या 10 अक्टूबर में शादी हुई थी। फर्स्ट टाइम मैं गौरव सक्सेना जी से मैं ताज लैंड्स में मिला था, इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ऑनलाइन हम जो है मिले, तो बातचीत हुई, तो आके एक बार देख ले। मैं गया, देखा, मिला, बातचीत अच्छा किया उन्होंने, व्यवहार भी अच्छा किया, साथ में हम लोग ने डिनर भी किया। फिर उसके बाद वहाँ से निकला, उसके बाद एक दो बार मुलाकात भी हुई, फिर सीधा इनका शादी का डेट फाइनल हुआ। फिर हम वहाँ जो शादी में गए, बॉम्बे से हम दो लोग गए थे, मैं और जनार्दन पंडित जी गए थे दो लोग। तो शादी फिर इनकी हो गई, आ गए। फिर शादी होने के बाद इनको जो है थोड़ा टाइम उन्होंने शायद अलीगढ़ में रखा, उसके बाद उन्होंने जो युगांडा ले गया। तो इनका एक दिन सडनली मुझे कॉल आता है, एक्चुअली इनका कॉल था, तो इनका रोना धोना चालू था। मैं बोला क्या हो गया आपको, तो इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मुझे मारता है पिटता है, ये हुआ। बोला ठीक है, होता है लड़ाई झगड़े, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो मैंने इनको काफ़ी समझाया, रो रही थी, डिप्रेशन में भी थी। फिर इनका जो गौरव सक्सेना जी है, उनका एक दिन मुझे कॉल आता है, मैसेज आता है कि मेरी वाइफ से आप नहीं बात करिए, ये मुझे पसंद नहीं। बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरे पे भी शक उन्होंने जताया, ऐसा मैसेज भी मेरे पास पड़े हैं। मैंने उनको बोला भैया आप तो सब जानते हो, वो मुझे हालांकि भाई भी बोलते थे, बोला ऐसी कौन सी बात होगी आप मेरे पे शक कर रहे हो। तो यही बात हुई। तो काफ़ी टाइम के बाद एक बार इनका जो है, दो तीन बार झगड़ा हुआ, मैं शॉर्ट आउट भी कराया था। एक बार इनका बड़े लड़के का सडनली मुझे कॉल आया यहाँ बॉम्बे से, और वो रो रहा था कि मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा है, आप कहाँ हो अंकल। मैं घर पर गया, वहाँ पर तो झगड़ा हो रहा था इन लोग का। फिर मैंने शांत करवाया दोनों को, फिर झगड़े का रीज़न पूछा, क्या बात है भाई झगड़ा क्यों कर रहे थे आप लोग। तो वो जो अंगूठी देते थे, चैन देते थे, वो सब छीना छीनी लोग का चालू था। कि एक डायमंड की रिंग थी जो इन्होंने कुंदन से ख़रीदा था, आई थिंक, हाँ बताया थे मुझे, 13-14 लाख की रिंग थी। तो रिंग उन्होंने इनका हाथ से जो है निकाल दिया था। तो रिंग निकालने की वजह से जो है इनको कि बार बार पहनाता है, निकालता है, ऐसा कुछ था। मैंने समझाया भी कि मत करो। उस दिन उनको मैंने प्रॉमिस भी कराया था कि आप जो है ये बार बार झगड़ा मत करिए, समझाया था। फिर दो दिन के बाद इनका जो है उन्होंने शायद मंगलसूत्र भी छीना था, तो उस दिन भी कॉल आया था मुझे, मैं वहाँ गया तो फिर समझाया था उनको। तो ये काफ़ी कुछ रहा है, आपको कुछ पूछना है तो पूछ। अभी 3 दिन पहले जिस दिन मेरी, मैं एग्ज़िट हुई हूँ, मैं सुबह 5 बजे एग्ज़िट हुई हूँ, और इसके वो दिन में फ़ोन आता है, पूरे 2 घंटे इससे बात की है, छवि बनाने की कोशिश की है कि शॉर्ट में बता दो, 2 लाइन में। मेरा नाम जावेद है, और इनके बिग बॉस जाने से पहले ही मैं सब चीज़ें संभालने के लिए आ गया था, इनकी हेल्प करने के लिए। तो उस दौरान मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले ही इनके बाहर आने से पहले कॉल मैसेज आया, उसका ये मैसेज है कि हाय हेलो जावेद हाउ आर यू, और मैं गौरव सक्सेना एकांश फादर, तो आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा कॉल मी, क्या बात करनी है। तो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि जावेद आप बच्चे को देख रहे हो बहुत अच्छे से, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी है और उसकी केयर कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हेमा ने मम्मी को भी बुलाया है, उनकी नानी को, और तुम भी संभाल रहे हो, तो मुझे मतलब
अंदर से वो हो गया कि मेरा बच्चा सेफ है और सही हाथों में। तो मैंने थैंक यू करने के लिए कॉल किया था और मैं हेमा की बहुत केयर करता हूँ। तो मैंने कहा सर मैंने तो कुछ और ही सुना है आपके बारे में कि आपने उन पर हाथ उठाया है। बहुत मेरी दो घंटा बात हुई कि आपके ऊपर आपने उनके ऊपर हाथ उठाया, मैं नहीं था वहाँ मगर मैंने सुना है। और आप जिस तरीके से बातें कर रहे हो मुझे वैसा लग नहीं रहा कि आप बहुत पोलाइटली बात कर रहे हो कि भाई मैं हेमा को अभी भी चाहता हूँ वो बिग बॉस में आगे बढ़े, वो अंदर अभी चुप क्यों है, थोड़ा सा उसको बोलना चाहिए और कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो प्लीज़ मुझे बताओ, बच्चे के लिए कुछ अमाउंट चाहिए तो मैं आपके अकाउंट में भेज दूँ। मैंने कहा सर थैंक यू, मेरे पास अमाउंट है और हेमा जी उस काबिल है कि कोई हेल्प मैं फ़िलहाल तो नहीं ले सकता क्योंकि वो अंदर है। मैं अगर आपसे बात करूँ या किसी भी लेवल पर इस चीज़ पर जाऊँ तो मुझे आकर उनको बताना पड़ेगा। तो मेरी उन्हीं बातों के अंदर कोई बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि आज तक चैनल से मेरे पास में कॉल आ रहा है और बॉम्बे के कुछ टैली मसाला और एवरीथिंग और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मुझे कॉल कर रहे हैं कि गौरव जी आप प्लीज़ मुंबई आ सकते हो, हम आपकी टिकट भी करा देंगे और हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं जिससे कि आप अगर बिग बॉस के लिए भी कुछ होता है तो कहने लगे आई डोंट नो। और ये बात अगर गौरव सक्सेना जी आप देख रहे हो ना तो आपको पता है जावेद, मैं कसम नहीं खाता हूँ, आपको पता है कि जावेद झूठ नहीं बोलेगा। मैं बहुत इमोशनल हूँ और उन्होंने मुझे इमोशनली बातों में लेकर के भाई मैं बहुत हेमा जी की केयर करना चाहता हूँ अभी भी और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं बिग बॉस के लिए कुछ नहीं करना चाह रहा, मैं अपनी टीआरपी के लिए कुछ नहीं करना चाह रहा, मुझे कॉल्स आ रहे हैं, मैं सबको मना कर रहा हूँ कि भैया मुझे इंटरव्यू नहीं देना और आज के बाद मुझे कोई वीडियो भी नहीं बनानी उनके अगेंस्ट। तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और आपने मैंने यूट्यूब पे उनके लिए एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें बोली, उनकी पहली वाइफ के लिए भी मैंने कुछ चीज़ें बोली, वो वीडियो भी मैंने तुम्हारी देखी है जावेद कि वो वीडियो में आपने मेरे लिए बहुत कुछ बोला मगर आपको सच्चाई नहीं पता थी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने हेमा पे कभी हाथ नहीं छोड़ा। पति पत्नी है, दोनों में झगड़ा होता है, वो मेरे बाल पकड़ती थी मैं उनके बाल पकड़ता था। अगर वो ये वीडियो सुनेंगे ना तो उनको लगेगा कि जावेद सच बोल रहा है, मगर मुझे इतना बड़ा हर्ट हुआ है कि यार इतना प्यारा इंसान, क्योंकि मैं उनसे कभी मिला नहीं और मैं हमेशा हेमा जी को मैंने बताया आते ही मैंने कहा हेमा जी ऐसे ऐसे फ़ोन आया था वो बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा तो किसकी बातों में आ रहा है जब रियलिटी को जो फोटोग्राफ्स उस बच्चे पे हाथ उठाया है यार, उसकी कमर पे नील पड़े हुए हैं यार, फोटोग्राफ्स हैं वो, वीडियोस हैं इनकी, नाक पे से ब्लड बाहर आ रहा है, वो वीडियोस मैंने देखे हैं, सब चीज़ें देखी, तब मुझे पता चल रहा है कि यार वो ऐसा इंसान है। वो बोल रहा है बच्चों को एकांश के लिए, मैंने एकांश के लिए बोला, उन्होंने मुझे बोला जावेद मैं अभी एक दिन पहले मुंबई आया था, मेरी कोई मीटिंग थी तो मैं घर के गेट पर आया और एकांश, छोटे वाले बेटे का नाम एकांश, वो खेल रहा था और उसकी नानी बैठी हुई थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया जब आप आए थे तो कौन आपको रोक रहा है एक फादर को उसके बेटे से मिलाने के लिए, कौन ऐसा स्टूपिड इंसान होगा जो मना करेगा। मैंने कहा मिलते, नानी अगर बैठी थी उनके आप पैर छूते कि मैं उसका फादर हूँ नानी, तो मैं मिल लूँ। वो बोलती गले लगाओ चुम्मी लो इसकी यार, तुम्हारा बच्चा है, और उसके बाद चाय वाय पीनी पियो तो जाओ। मैंने कहा ऐसे लोग हैं हम, और वो इतना शातिर, मैं बोल रहा हूँ कि सच में उसे बिग बॉस जाना चाहिए, वो उसी के काबिल है। सर झूठ बोलता है यार, मेरे जज्बातों के साथ में खेल रहा है। मैंने उनको बोला कल मुझे मौका दो प्लीज, मैं उसे कॉल करता हूँ यार जैसे उसने मुझे किया था, कि तू झूठ क्यों बोल रहा है। यहाँ से अभी एक मैम का बहुत सारे सवाल थे और मैं जानता हूँ कि वो सवाल गौरव सक्सेना ने इंटरव्यू में नहीं बोले। गौरव के संपर्क जो है अभी भी मीडिया में कुछ लोग हैं, मुझे लगता है कि उनके पास में कॉल्स आ रहे हैं, ये पूछो हेमा बैठी है ना अभी, ये पूछो 100% आई एम श्योर कि वो कनेक्ट है यहाँ से अभी भी। तो भाई मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ पर आके कनेक्ट हो, और इनको छोड़ यार, मैं तो इनका दोस्त हूँ, पारिवारिक दोस्त हूँ, तू मेरे सवालों को आंसर दे कि तूने मेरे साथ में क्या किया भाई, ये सब बोल के झूठ बोल के किसी के जज्बातों के साथ। मैंने इतना अप्रिशिएट किया, मैंने उसको दिल से दुआ दी कि भाई आप इतना अच्छे हो, अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, तो यार तुम आओ है हेमा जी से बात बैठ के बात करें। अरे वो तुमको बहुत चिल्लाएंगे मेरा नाम भी लोगे तो, अरे नाम लोगे यार भैया, वो बच्चों को कैसे पाल रही है कैसे नहीं, दो दिन नहीं झेल सकता एक बच्चे को उसको, वो छोटा मासूम बच्चा, पता है मम्मी मम्मी मैं जानता हूँ 15 दिन से मैं गोदी में लेकर सुला रहा हूँ, दूधी में दूध पिला रहा हूँ, उस बच्चे को मैंने कैसा हिलाया कैसे खिलाया कि माँ अंदर है बेटा बाहर है, 1.5-2 साल का यार दूध पीता बच्चा छोड़ के गई है, माँ अंदर जेल में रो रही है बिग बॉस में, और वो बच्चा बाहर बैल बजती है तुरंत भागता है दरवाजे के, मम्मी मम्मी कौन समझाएगा उसे मम्मी कहाँ है, तब काम आ गया तू यार। मुझे बोल रहा बड़ी केयर कर रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू बोलने के लिए। चलो कोई नहीं जावेद, इन शॉर्ट कहना चाहती हूँ कि वो हमेशा से ये चाहता था कि हेमा तुम बड़ी बनो, तुम बड़ी बनोगी तो लोग मुझे जानेंगे, इसलिए उसने मुझे दलजीत के साथ कंपेयर किया, दलजीत के सामने मुझे बेइज्जती किया कि ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है तू है कौन,
और ये निक पटेल और दलजीत मुझसे मिलने के लिए आए थे शादी से पहले, मुझसे और गौरव से मिलने के लिए आए थे देखने के लिए कि भैया हम शादी कर ले कि नहीं कर ले। लेकिन मैं इसके एहसान के तले इतनी दबी हुई थी कि मैं ये बोल नहीं पाई दलजीत को कि शादी मत कर, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, तेरी भी हो जाएगी। और उसकी वही हुई, मैं हॉस्पिटल में मर रही थी 18 मार्च, और ये जाके उनकी हल्दी में डांस कर रहा था। बहुत क्लोज दोस्त है, क्लोज। और अगर आज ये सब कुछ चल रहा है ना, तो पहले निक ने उसका जीना हराम किया और अब ये कर रहा है। बहुत खास है, सेम कंपनी में काम करते हैं, गौरव ने शादी कराई है, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी गौरव की है। सारे के सारे बाउंसर ये लेके गया है, कहाँ शादी होगी इसने डिसाइड किया है, कहाँ से गोल्ड खरीदा गया, वो दुकान जहाँ से मैं खरीदती हूँ वहाँ से गोल्ड खरीदा गया है। और अब मैं ये बोलती हूँ, जब दलजीत की जिंदगी खराब हो रही थी तब ये कहाँ चला गया, तो आ जाता बराती बन के कि हाँ भैया मैं डांस कर रहा था, अब मैं इस मैटर को सॉल्व करूँगा। ये निक पटेल और ये गौरव सक्सेना सेम कंपनी में काम करते हैं, और गौरव ने ही इसकी शादी कराई है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं शादी कराऊंगा तेरी। सर जैसे आपने एक क्वेश्चन बोला कि किसी ने मतलब कोई किसी को मैसेज कर रहे हैं, वो कनेक्टेड है मीडिया को, पहली बात तो किसी की जरूरत नहीं है कि वो किसी से कनेक्ट होके आपसे सवाल करे, क्योंकि उन्होंने वैसा बोला है, आप जाके सोशल मीडिया पे जाके चेक कर लो कि उन्होंने बोला है कि और ठीक है ना, और ठीक है ना, आप लोग पूछोगे नहीं तो फिर बात कैसे बाहर आएगी। मैंने लेकिन मुझे ये सुनाई दिया कि उसने बोला कि वो निक पटेल को ज्यादा क्लोजली नहीं जानता है। मैंने ये मीडिया वाले कनेक्टेड नहीं, मैंने बोला मीडिया वाले कनेक्टेड, मैंने बोला कि कोई ना कोई कनेक्ट है, क्योंकि मैंने उनका ब्लॉग देखा है, मैंने उनका जो इंटरव्यू है वो पूरा देखा है, और उस पूरे इंटरव्यू में एक भी शब्द, यहाँ कुछ शब्द ऐसे सुनाई दिए मुझे हेमा जी से भी रिलेटेड, के वो शब्द शायद उसने उस ब्लॉग में उस इंटरव्यू में बोले ही नहीं, कुछ अलग। उस इंटरव्यू में एक भी शब्द ऐसे नहीं थे जो आज मैंने यहाँ सुने, जो शब्द अपने क्वेश्चन मॉडिफाई कर सकती है, लेकिन आप वो कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं, वो किसी और से डील में करेगी या पूछेगी क्वेश्चन। और हेमा जी को स्पेशली, अगर हमें भी आपको भी लॉ पता है, हमें भी लॉ पता है, हम किसी की औरत की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, हमें जो सुनाई देगा हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। जितने सवाल हमने आपसे किए, सॉरी, आपको कोई अलग सवाल थे जिसके जवाब आपने नहीं दिए, आपको लग रहा है यहाँ पे जितने सवाल हुए वैसे नहीं? देखो मैं तो मेरा तो सवाल उसमें से थे जो मुझे पता है कि उस इंटरव्यू में, जो उनका इंटरव्यू है उसमें एक भी सवाल उस इंटरव्यू में नहीं बोला गया, ना ही उन्होंने बताया गया, ना ही इन पे कोई आरोप लगाए गए। कुछ अलग से एक दो सवाल थे जो मुझे लगा कि न्यू है, जो न्यू है, वो उस टाइम पे मैं वहाँ बैठा था तो मुझे रियलाइज हुआ उस टाइम पे ये शब्द कौन से सवाल थे, कुछ ये मुझे अभी उस टाइम पे याद नहीं है। उस टाइम पे मुझे याद था कि ये एक दो सवाल न्यू आए हैं जो उस इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है, ना ही उन्होंने बोले ना ही उन्होंने पूछे, ये अलग से पूछा गया। तो ठीक है ना, इनके पास अधिकार है पूछने का जावेद। ऐसा जावेद, मगर मैं देखो मैं, ये पूछेंगे नहीं तो चीजें की नहीं, सुनो मैं मीडिया अरे ठीक है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है मैं ये बोल रही हूँ, ये पूछेंगे नहीं तो चीजें बाहर कैसे आएंगी। और इन और ये एक बात ये बता दूं कि जो एडवोकेट की इनकी जो डिवोर्स की जो बात चल रही थी, तो उन्होंने 2-2.5 साल जब बोला कि मुझे डिवोर्स चाहिए डिवोर्स चाहिए डिवोर्स चाहिए, इनको इतना परेशान किया तो इन्होंने लास्ट में बोला ठीक है भैया तू डिवोर्स डिवोर्स बोल रहा है ये ले मैं डिवोर्स देती हूँ। तो पहले लॉयर ने जो डिवोर्स कराया था इनकी पहली शादी का, वो लॉयर जो अपने जानने वाले मेरा काफ़ी नज़दीक है वो, तो वो इनको बात किया सक्सेना जी को बुलाया कि भैया आके जो भी म्यूचुअली आप ख़त्म करिए बैठ के, लेकिन वो नहीं आए। वो नहीं आने का वो जो कभी हार्ट का भेज दिया कि मुझे हार्ट का इशू हो गया है, नहीं आया। ऊपर से वो एडवोकेट को उन्होंने जो है 40 लाख का ऑफ़र करा कि हम जो है आपको 40 लाख रुपया देते आपके एनजीओ में, आप हमारे साइड से केस लड़िए। हेमा को फंसाओ उसको फसाओ। सीधा लाइन ये है कि जब मैं डिवोर्स के लिए गई तो उसने उस लॉयर को पहले खरीदने की कोशिश की और वो कि मैं तेरे को 40 लाख रुपये देता हूँ, उसको फंसा। तो वो लॉयर ने बोली पागल आदमी है ये, जब पूरी कहानी सुनी कि भैया समोसे के ऊपर जो आदमी लड़ सकता है या घंटा मुझे 40 लाख रुपए देगा, अच्छा हुआ मैंने हाँ कबूल नहीं किया, नहीं तो सारे तो मेरे फोटो छाप देता बाहर जाके। नहीं ये
जो है ना सच्चाई है, तो सच्चाई जानना है तो लॉयर भी है सब, और इसलिए मेरी बात बिगड़ी है जो आप बोले थे ना कि बीच में बात बन गई थी, उसने मुझे कन्विंस कर लिया था कि ठीक है हम झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन जैसे मैंने बोला मैंने भैया तुमने एडवोकेट को पैसे ऑफर किए क्या मुझे फंसाने के लिए, तो उसके बाद वो शांत हो गया, और उसके बाद वो सीधा जब आया तो लेके गया, और उसके बाद वो फिर कभी वापस नहीं आया। मैं बोल दूँ, यास्मीन वांगखेड़े नाम है उनका, या वो मुझे मुँह बोला भाई मानती है, मेरे ऑफिस के जस्ट बाजू में है, तो मैंने ही रेफरेंस दिया था, तो मेरे रेफरेंस से वहाँ पे गए थे, और उनकी ख्वाहिश भी थी हाँ कि यास्मीन वानखेड़े के पास ही जाओ, तो भैया हम चले गए। वो इसके मुझे पहले भी उन्होंने एक बार इनको हाथ पकड़ के लेके गया था 10 बजे सुबह सुबह उनको ऑफिस में, ऑफिस उनका बंद था तो ये घूम के चले आए थे, क्योंकि 10 बजे वहाँ मोस्टली ज़्यादा करके 11 बजे के बाद ही ऑफिस चालू होता है। मैंने ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा शब्द सुना है वो है डिवोर्स, या खूबसूरत चेहरे पे मेकअप कम लगा, थप्पड़ बहुत खाए हैं मैंने ये 2 शादियों में, ये छाप देना आप हेडलाइंस।